आज के इस वीडियो में जॉर्ज कैस्पर होमन्स की सोशल एक्सचेंज की थ्योरी आज हम पढ़ेंगे, जो कि एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और एक्सीडेंटली सोशियोलॉजी की फील्ड में आए थे। ही स्टडीड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स पर्टिकुलरली मिलनवॉस्की, रेडक्लिफ ब्राउन एंड फिट्स। ह्यूमन ग्रुप के नाम से 1950 में एक बुक आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कल्चर्स जो हैं वो यूनिक नहीं हैं एंड दे हैव सम सिमिलरिटीज़, एंड अगर आप समझना चाहते हैं किसी कल्चर को तो ह्यूमन को अंडरस्टैंड करके, उनकी नेचर को अंडरस्टैंड करके तभी आप कल्चर्स को स्टडी कर सकते हैं, और जो ह्यूमन नेचर है वो तकरीबन तमाम दुनिया में मिलती जुलती है। साइकोलॉजी का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और आगे चल के उन्होंने कहा है, आई डिसाइडेड दैट वॉट ही, यानी कि टैलकॉट पर्सन्स की बात है, कॉल थ्योरीज वर ओनली कंसेप्चुअल स्कीम्स एंड दैट अ थ्योरी वॉज नॉट अ थ्योरी अनलेस इट कंटेन्ड एटलीस्ट अ फ्यू प्रपोजिशंस। और प्रपोजिशन जो है वो जो दो कॉन्सेप्ट हैं या तीन कॉन्सेप्ट हैं, चार कॉन्सेप्ट हैं, उनको जोड़ने के लिए यूज़ होती हैं। आगे चलकर उन्होंने कहा है कि आई बिकेम कॉन्फिडेंट दैट दिस व्यू वॉज करेक्ट बाई रीडिंग सेवरल बुक्स ऑन फिलोसफी ऑफ साइंस। ये उन्होंने द नेचर ऑफ सोशल साइंस जो कि 1967 में लिखी थी, उसमें ये कहा है कि बहुत सारी जो बुक्स हैं फिलोसफी ऑफ साइंस के ऊपर पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि थ्योरी जो है उसमें प्रपोजिशंस होनी चाहिए ताकि वो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करें। वो टैलकॉट पार्सन्स की थीरीज़ को, दुर्खायम की थीरीज़ को रिजेक्ट नहीं करते थे, कहते थे कि ये बहुत ज़रूरी हैं अंडरस्टैंड करने के लिए ब्रॉडर स्ट्रक्चर्स को, लेकिन ये थ्योरीज़ की तरह की इनकी शेप नहीं है, ये एक बिल्कुल सिंपल आइडियाज़ एंड स्कीम्स हैं, इनमें कुछ प्रपोजिशंस होनी चाहिए टू एक्सप्लेन फिनोमिनन। और टैलकॉट पार्सन्स जो थे वो तो इनके कुलीग थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। Once the structures have been created, they have further effects on the behavior of persons who take part in them or come into contact with them. Although psychology ka inki jo theories hain unke upar bahut effect tha, but phir bhi wo structures ko mante hain, isliye wo khud ko sociologist batate the ki jo structures hain wo jab ban jate hain to unka individuals ki life ke upar bahut gehra asar hota hai, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो रोज़ाना की इंट्रैक्शन है वो इन सोशल स्ट्रक्चर्स के साथ चलती रहती है। द हार्ट ऑफ जॉर्ज होमन्स एक्सचेंज थ्योरी लाइज इन ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रपोजिशंस, जो हमने पहले बात की है कि जो बेस है वो ये प्रपोजिशंस हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ऑल्दो सम ऑफ हिज प्रपोजिशन डील विद एटलीस्ट टू इंट्रैक्टिंग इंडिविजुअल्स, होमन्स वॉज careful to point out that these propositions are based on psychological propositions. George Homans jo the wo psychology ki jo propositions thi, jo principles the, unko sociology mein leke aana chahte the, aur aisa unhone kiya bhi apni social exchange theory mein. Ye jo propositions thi unki do khususiyat thi, empirically tested proposition by psychologists, और दूसरा प्रोपोजिशंस अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स। और यानी कि ये तो एक तो टेस्टेड थी एम्पिरिकली रिसर्च के साथ, और दूसरा ये इंडिविजुअल्स के बारे में थी। इन्होंने साइकोलॉजिकल नॉलेज और साइकोलॉजिकल थीरीज़ को सोशियोलॉजी की फील्ड में यूज़ किया, इसलिए इनको साइकोलॉजिकल रिडक्शनिस्ट कहा गया है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो आइसोलेटेड नहीं हैं, they are interacting beings with social structures and with other individuals. Homans did not deny the Durkheimian position that something new emerges from interaction. He said psychological propositions can be used to explain social facts. The great example of social fact is a social norm. Why people follow norms? Because they see advantage in following it and showing conformity. यहाँ पर ये बात की गई है कि लोग नॉर्म्स को फॉलो क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको इसमें एडवांटेज नज़र आता है। सो इट इज़ द साइकोलॉजी दैट डील्स विद द फैक्ट ऑन बिहेवियर ऑफ परसीव्ड एडवांटेज। सो परसीव्ड एडवांटेज जो है वो साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। जॉर्ज कैस्पर होमन्स के तारुफ के बाद अब हम उनकी दी गई सोशल एक्सचेंज थ्योरी को पढ़ेंगे, जिसमें उनकी मुख्तलिफ अजम्पशंस और प्रपोजिशंस इन्वॉल्व हैं। अकॉर्डिंग टू होमन्स, दिस थ्योरी एनविजेज
some social behavior as an exchange of activity, tangible or intangible, and more or less rewarding or costly between at least two persons. होमर्स की जो एक्सचेंज थ्योरी है इसमें इस चीज़ की बात की गई है कि कोई एक्टिविटी है जिसमें कुछ ना कुछ अदला बदला जा रहा है दो लोगों के दरमियान, और वो टेंजिबल भी हो सकता है और नॉन टेंजिबल भी हो सकता है, और वो रिवॉर्डिंग भी हो सकता है और वो कॉस्टली भी हो सकता है, वो आपको उसका फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। होमर्स का यही कहना था कि जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हमें कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज तो दे दी हैं, स्कीम्स दे दी हैं, लेकिन जो सोशल फैक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया कि वो काम कैसे करते हैं। इन्होंने कहा सोशियोलॉजी आल्सो नीड्स अ सेट ऑफ जनरल प्रोपोजिशंस अबाउट द रिलेशंस अमंग द कैटेगरीज। जो कैटेगरीज बताई गई हैं उनके दरमियान में कुछ प्रोपोजिशंस होनी चाहिए ताकि वो सारा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया जाए। इनकी एक किताब में जिसका नाम इन सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स, Homans acknowledged that his exchange theories derive from both behavioral psychology and elementary economics. यानी कि rational choice theory के ऊपर based है इनकी जो exchange theory है, और जो behavioral psychology है उसके ऊपर based है। George Homans के ही एक दोस्त B.F. Skinner, उनकी एक study थी study of pigeons, उनको लेकर के उस discussion को लेकर के Homans जो हैं वो अपनी exchange theory की बात को start करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में एक कबूतर जो था उसको एक पिंजरे में कैद किया गया था और वो दाएं बाएं आगे पीछे अपनी चोंच मार रहा था, और एक रेड कलर का जो टारगेट था उसके ऊपर चोंच मारना मकसूद था। लिहाजा कबूतर जो था उसने रेड टारगेट जो था उसके ऊपर चोंच मारी, उसको हिट किया और उसको उसके बदले में कुछ अनाज कुछ दाने मिले और उसकी कंडीशनिंग हो गई, यानी कि वो चोंच मारेगा उस रेड टारगेट पे तो उसके बदले में उसको अनाज मिलेगा, खाने को कुछ मिलेगा। इन स्किनर्स लैंग्वेज द पिजन्स बिहेवियर इन पैकिंग द टारगेट इज एन ऑपरेंट, द ऑपरेंट हैज़ बीन री इन्फोर्स्ड, ग्रेन इज द री इन्फोर्सर एंड द पिजन हैज़ अंडरगोन ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसकी कंडीशनिंग हो गई है। ही हैज़ गिवन अ कंडीशन कि आप रेड टारगेट जो है उसको हिट करोगे तो फिर आपको री इन्फोर्समेंट मिलेगी, यानी कि आपको खाने के लिए दाने मिलेंगे। The pigeon is engaged in a one-sided exchange relationship. ये एक तरफा एक्सचेंज का रिलेशनशिप है, लेकिन जब humans का एक्सचेंज होता है वो two-sided होता है, कुछ लिया जाता है और कुछ दिया जाता है। इस केस में तो कबूतर सिर्फ ले रहा है, कुछ दे नहीं रहा। आगे चल के humans जो हैं वो एक आदमी की एग्जाम्पल देते हैं जो एक पेपर वर्क जॉब करता है। उसको ये अलो किया गया है कि अगर आपको कहीं जाके बिल्कुल समझ ना आए और हेल्प की ज़रूरत हो तो आप अपने सुपरवाइज़र से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो अपने सुपरवाइज़र से हेल्प नहीं लेता क्योंकि अगर वो सुपरवाइज़र से हेल्प लेगा तो वो इनकम्पिटेंट कंसिडर किया जाएगा, इसलिए वो अपने कलीग से हेल्प ले लेता है और इसको प्रेफर करता है। जब जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो अपने कलीग से हेल्प लेता है, बदले में वो अपने कलीग का शुक्रिया अदा करता है, रिस्पेक्ट देता है, और ये एक एक्सचेंज का सिनेरियो है। और इसी एग्जांपल को बाद में जितनी भी प्रपोजिशंस दी हैं जॉर्ज होमन्स ने उनमें इसको डिस्कस किया गया है इसी एग्जांपल को लेकर के। तो ये सोशल एक्सचेंज का एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है बिटवीन टू पर्संस, और इसमें जो अदर है ही इज़ गेटिंग रिस्पेक्ट ऑनर, और वो टेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है कुछ खाना वाना खिलाना, और जो दूसरा है पहला आदमी ही इज़ गेटिंग हिज जॉब डन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रपोजिशंस। इन सब कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने के लिए जो प्रपोजिशंस हैं, सबसे पहली प्रपोजिशन है द सक्सेस प्रपोजिशन। फॉर ऑल एक्शंस टेकन बाय पर्संस द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एक्शन ऑफ अ पर्सन इज रिवार्डेड द मोर लाइकली द पर्सन इज टू परफॉर्म दैट एक्शन। एक दफ़ा मदद की, उस मदद को सराहा गया, बदले में ऑनर मिली, रिस्पेक्ट मिली, उसने कोई खाने पे इनवाइट किया, खाना खिलाया, तो वो फिर बार बार उसकी मदद करेगा, मदद करने को प्रेफर करेगा, बिकॉज़ उसको
वो रिवार्ड जो है वो मिल रहा है उसके बदले, यानी कि सक्सेस मिल रही है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है. सो ही विल लाइकली टू रिपीट दैट बिहेवियर. सो दिस इज कॉल्ड सक्सेस प्रोपोजिशन. जनरली बिहेवियर इन अकॉर्ड विद द सक्सेस प्रोपोजिशन इन्वॉल्व्स थ्री स्टेजेस इसमें होती हैं. फर्स्ट अ पर्सन एक्शन, एक पहले जो एक्शन होता है. नेक्स्ट अ रिवॉर्डेड रिजल्ट बैक. एंड फाइनली अ रिपीटेशन ऑफ दैट ओरिजिनल एक्शन और एट मिनिमम वन सिमिलर इन एटलीस्ट सम रिस्पेक्ट्स. इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट रिवॉर्ड्स लीड टू इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट एक्शंस. दिस रेसिप्रोकेशन कैन नॉट गो ऑन इनडेफिनेटली. ये चलता नहीं जाएगा सिलसिला. रेगुलर रिवॉर्ड्स लीड टू बोर्डम एंड सेसिएशन बिकम मीनिंगलेस, वेयर एज रिवॉर्ड्स एट इरेगुलर इंटरवल्स एज इन गैम्बलिंग आर वेरी लाइकली टू एलिसिट रिपीट बिहेवियर्स. कभी कभी का जो इनाम है वो बंदे को चलाई जाता है, और जो लगातार एक चीज़ मिलती जाए तो टेकन फॉर ग्रांटेड की सिचुएशन आ जाती है और बंदा बोर हो जाता है, और फिर वो लाइकली नहीं होता कि उसको दोबारा वो रिपीट करे. इसलिए कभी कभी जो मिलने वाली चीज़ है इंसान उसको ज़्यादा जो है वो पसंद करेगा और फॉलो करेगा. लॉन्गर इंटरवल्स बिटवीन बिहेवियर एंड रिवॉर्ड लोअर द लाइकलीहुड ऑफ रिपीट बिहेवियर. जब इनाम बहुत देर बाद मिलेगा, रिवॉर्ड बहुत देर बाद मिलेगा, रिजल्ट बहुत देर बाद आएगा, तो वो एक्शन रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं. और अब हम द स्टिमुलस प्रोपोजिशन पढ़ेंगे. इफ़ इन द पास्ट अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्टिमुलस, कोई ख़ास वाक़या हो कहीं पास्ट में, और अ सेट ऑफ स्टिमुलाई हैज़ बीन द ओकेजन ऑन विच अ पर्सन्स एक्शन हैज़ बीन रिवॉर्डेड, जब फ़ायदा हुआ हो, then the more similar the present stimuli are to the past ones, the more likely the person is to perform the action or similar action. हाँ, जैसे लोग बोलते हैं कि वो फलां जगह जो है वो मेरे लिए लकी है. A fisherman who has cast his line into a dark pool and has caught a fish becomes more apt to fish in the dark pools again. अंधेरे में उसने मछली पकड़ने की कोशिश की और मछली मिल गई, तो वो हमेशा उसका एक जो है वो एक रिफ्लेक्स बन जाएगा, उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी, वो डार्क पूल में ही मछली पकड़ना पसंद करेगा. इफ़ द कंडीशंस अंडर विच सक्सेस अकर्ड वर टू कॉम्प्लिकेटेड, सिमिलर कंडीशंस मे नॉट स्टिमुलेट बिहेवियर. कि अगर वो जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा से जो है वो उस बिहेवियर को स्टिमुलेट करे. एन एक्टर कैन बिकम ओवर सेंसिटाइज टू स्टिमुलाई, स्पेशली इफ़ दे आर वेरी वैल्यूएबल टू द एक्टर. अगर वो चीज़ जो है उस बंदे को बहुत ज़रूरी है, तो फिर उस स्टिमुलस से मिलते जुलते जो दूसरे स्टिमुलस हैं वो भी उसको कन्फ्यूज़ करेंगे, वो ओवर सेंसिटाइज हो जाएगा. नाउ वी गोइंग टू स्टडी द डेप्रिवेशन एसोसिएशन प्रोपोजिशन. The more often in the recent past a person has received a particular reward, the less valuable any further unit of that reward becomes for him. यानी कि कोई अच्छी चीज़ को फ़ायदा मिला है, अभी अभी मिला है, अभी उसी से दिल नहीं भरा, तो उस फ़ायदे उसी तरह के जो मज़ीद हैं उससे जो बंदा है उसका दिल भर जाएगा और उसको मज़ीद उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा इस तरह के एक्सचेंज में. एक ही रिवार्ड मिलता रहे एक लंबे अरसे तक, बार बार वही चीज़ मिलती रहे, जैसे बार बार उसको वो एक ही तरह का खाना खिलाता रहे, तो उससे वो बोर हो जाएगा और उसकी वो जो वैल्यू है वो वैसी नहीं रहेगी. इन शॉर्ट, ऐसा जो सोशल रिलेशनशिप है जिसमें सोशल एक्सचेंज है दोनों तरफ से, वो मज़ीद सस्टेन नहीं कर सकेगा. जॉर्ज होमन्स ने दो कॉन्सेप्ट्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट के भी दिए हैं इस प्रपोजिशन के अंदर. द कॉस्ट ऑफ एनी बिहेवियर इज डिफाइंड एज द रिवॉर्ड्स लॉस्ट इन फॉरगोइंग अल्टरनेटिव लाइंस ऑफ एक्शन, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और प्रॉफिट इन सोशल एक्सचेंज इज सीन एज द ग्रेटर नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स गेन्ड ओवर कॉस्ट इनकर्ड, जो आपकी लागत है उसके बदले में जितने ज़्यादा आपने फ़ायदे हासिल किए हैं वो आपका प्रॉफिट है. The aggression approval propositions, proposition A,
When a person's action does not receive the award he expected or receives punishment he did not expect, he will be angry, he becomes more likely to perform aggressive behavior, and the results of such behavior become more valuable to him. अच्छा, aggression approval prepositions में दो prepositions हैं, preposition A और preposition B. Preposition A के according इंसान को वो चीज़ मिले ही नहीं जो वो चाह रहा है. मतलब वो जैसे कि वो एक बंदा जो ऑफिस में काम कर रहा है वो मदद ले रहा है अदर से, अपने कोलीग से जिसको अदर कहा गया है, लेकिन बदले में जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मतलब देनी चाहिए इन एक्सचेंज, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा अदर को. अब अदर को तो इस चीज़ पे गुस्सा आएगा कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ और बदले में मुझे ना कोई टेंजिबल चीज़ मिल रही है ना इंटेंजिबल चीज़ मिल रही है, और बल्कि किसी मरहले पे जाकर वो जो पहला पर्सन है वो अदर की कोई इंसल्ट कर देता है. तो वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, जो मदद करने वाला कलीग था वो कुछ रिवार्ड एक्सपेक्ट कर रहा था, और बल्कि उसको तो पनिशमेंट मिल गई, उसको आप उसकी तो इंसल्ट हो गई. तो ऐसे ऐसे जो एनवायरनमेंट में, ऐसी सिचुएशन में भी जो है वो सोशल एक्सचेंज जो है वो मुतासर होता है और वो मज़ीद जो है उसकी हेल्प नहीं करेगा. प्रपोजिशन बी, व्हेन अ पर्सनस एक्शन रिसीव्स द रिवॉर्ड ही एक्सपेक्टेड, स्पेशली अ ग्रेटर रिवॉर्ड देन ही एक्सपेक्टेड, और डज नॉट रिसीव पनिशमेंट ही एक्सपेक्टेड, he will be pleased, he becomes more likely to perform approving behavior and the result of such behavior become more valuable to him. to ek banda jo hai wo dar raha ho ki mujhe meri to punishment mujhe to koi punishment mil jayegi mujhe meri insult hogi aur badle mein usko uski izzat afzai ho to wo kaam jo hai wo repeat karega, wo zarur karega, aur उसको इज़्ज़त दी जाए, उसको फ़ायदा मिले, तो वो उस काम को रिपीट करेगा और सोशल एक्सचेंज जो है वो बरकरार रहेगा, चलता रहेगा, सस्टेन करता रहेगा. किसी भी रिश्ते में जो चाहा है अगर वो मिलेगा तो वो रिश्ता कंटिन्यू करेगा, चलेगा. अगर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर वो रिश्ता पूरा नहीं उतरेगा तो वो रिश्ता नहीं चल पाएगा. और अब हम डिस्कस करेंगे द रैशनैलिटी प्रोपोजिशन. इन चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव एक्शंस, अ पर्सन विल चूज दैट वन फॉर विच एज परसीव्ड बाय हिम एट द टाइम द वैल्यू वी ऑफ द रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट इज द ग्रेटर. सो इट डिपेंड्स ऑन द रैशनल चॉइस थ्योरी कि बंदा जो है वो कैलकुलेट करेगा. बेसिकली पीपल एग्जामिन एंड मेक कैलकुलेशंस अबाउट द वेरियस अल्टरनेटिव एक्शंस ओपन टू देम. कौन कौन से लोग हैं, किसके साथ रिलेशनशिप रहेगा तो ज़्यादा फ़ायदा है, किसके साथ रिलेशनशिप रहेगा तो कम फ़ायदा है, क्या चीज़ें होंगी उनमें ज़्यादा फ़ायदा है, किन चीज़ों में कम फ़ायदा है. द मोस्ट डिज़ायरेबल रिवार्ड्स आर दोज दैट आर बोथ वेरी वैल्यूएबल एंड हाईली अटेनेबल. सोशल रिलेशनशिप में जहाँ पे सोशल एक्सचेंज होता है लोग ऐसे फ़ायदे ढूंढते हैं जो अटेनेबल होते हैं, जो आप जल्दी से हासिल कर सकते हैं. उन फ़ायदों को ज़्यादा आसानी से जिनको हासिल किया जा सकता है उन फ़ायदों के ऊपर ही फोकस होता है लोगों का, और ऐसे जो रिलेशनशिप्स हैं वो सस्टेनेबल होते हैं. एज़ कम्पेयर टू ऐसे फ़ायदे जो हासिल ही करना मुश्किल हो तो लोग उनकी तरफ जाना पसंद नहीं करते. अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं. सोशल एक्सचेंज थ्योरी बाय होमन्स की, इन द एंड होमन्स थ्योरी कैन बी कंसिडर्ड टू अ व्यू ऑफ द एक्टर एज अ रैशनल प्रॉफिट सीकर. जो एक प्राइमरी उसका गोल है वो प्रॉफिट को सीख करना है. ही आर्ग्यूड दैट लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स कैन बी अंडरस्टूड इफ वी एडिक्युएटली अंडरस्टैंड एलिमेंट्री सोशल बिहेवियर. जो इंडिविजुअल का बिहेवियर उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो लार्ज स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी कर सकते हैं. ही कंटेंडेड दैट एक्सचेंज प्रोसेस आर आइडेंटिकल एट द इंडिविजुअल एंड सोसाइटल लेवल. ऑल्दो ही ग्रांटेड दैट एट सोसाइटल लेवल द वे द फंडामेंटल प्रोसेस are combined is more complex.
तो बेसिकली बात इन्होंने यही की है कि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है उसको हम अंडरस्टैंड करके ही जो लार्जर स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे इन रिलेशनशिप्स को स्टडी करना आसान है, इन्हीं रिलेशनशिप को लार्जर स्ट्रक्चर्स के साथ स्टडी करना मुश्किल है। इसी के साथ इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में हम पीटर ब्लाह की सोशल एक्सचेंज थ्योरी डिस्कस करेंगे।